गाइस अभी हम आए यहाँ पे, ये कवाड़ी दिख रहा होगा आप लोग को सामने में। यहाँ पे पुराने लोहा लंकर यहाँ पे मिलता है। तो इस जगह पे मेरे को एक मशीन दिखा, ये 2 नंबर हॉल और के लगा हुआ है, ये देख सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे आए हैं परचेस करने के लिए। तो देखते हैं ये कितने तक में दे देगा, तो सही रेट लगाएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप लोग को दिखाते हैं, इसको पूछाएँगे भी जो कितना रेट में ये दे देगा। लेकिन यहाँ पे बेल्ट जो यूज किया है, यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉब्लम आता होगा ज़्यादातर से, क्योंकि बी बेल्ट यूज कर रहा है। यहाँ पे सी टाइप बेल्ट यूज करना चाहिए, तो बी वाला यूज कर रहा है, तो इसमें स्लिप मारता होगा। लेकिन पुल्ली वगैरह तो बिल्कुल सही है, ये देखो न्यू कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि पुराना है, न्यू कंडीशन में है हॉलर। ये देखो 2 नंबर हॉलर है, ये 2 नंबर हॉलर है न्यू कंडीशन में। लेकिन बेचारे क्या पता क्यों बेचा है ये, अब तो उसी को मालूम होगा जिसका ये था। तो इसको हम खोल करके तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कबाड़ी में जा कर के पूछते हैं वो इसका मालिक जो है, अभी तक खोला नहीं है, इसको वेट करना पड़ेगा यार, इसके रेट पता करने के लिए। तो मुझे इसमें से पंखी का काम था यार, ये पंखी का निकालना था ये, क्योंकि जो है ना इसमें लगाना था राइस मिल में करंट पे चलाने के लिए, 15 HP मोटर पे चलेगा ये, तो इसमें उसमें पंखी का ज़रूरत था, तो इसलिए ब्लोअर चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया अभी क्योंकि दुकान बंद है अभी, देख सकते हो। तो देखते हैं, वेट करते हैं, आने के बाद पूछेंगे, नहीं तो बाद में पूछेंगे। तो इसको जाली दिखा देता हूँ आप लोग को किस तरीके से जाली रहता है। तो ये देखो ये रहा जाली, इसमें बड़ा बड़ा जाली होता है इसे, ये देखो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 2 नंबर हॉलर इसलिए लेते हैं कि लोड ज़्यादा निकालेगा, माल ज़्यादा निकालेगा, इसलिए लोग जो है ना इसको ज़्यादातर से परचेस करता है। लेकिन ये सक्सेस नहीं है 2 नंबर हॉलर, क्योंकि मैं बहुत यूज करते हुए देखा हूँ, तो कोई भी कस्टमर इससे धान कुटवाता नहीं है। इतना लंबा नहीं करना चाहिए, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें भूसा बिल्कुल क्लीन नहीं होता होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ बिल्कुल क्लीन नहीं होता होगा, क्योंकि रॉन्ग बनाई हुआ है, देखो बहुत बेकार बना हुआ है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। तो दोस्तों ये देखो कितना रॉन्ग बनाया हुआ, देखो बिल्कुल क्लीन नहीं होता होगा इसमें भूसा, इस तरीके से नहीं बनता है, दूसरे तरीका है इसका बनाने का। तो दोस्तों थोड़ा देर रुकते हैं, नहीं तो जा रहे हैं, बाद में आकर के इसका रेट पूछेंगे जो कितना तक में दे देगा। तो इसमें इसी फंडीशन का काम हो जाएगा, पुल्ली का काम हो जाएगा, ये पुल्ली हम दूसरे पे यूज कर सकते हैं, दूसरी हॉलर पे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको ले लूँ। इसमें ये जो लगा हुआ है बहुत मोटा लगा हुआ है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, पहले हम क्या होता था तो पतला वाला ये साफ्ट आता था, लेकिन इसमें मोटा वाला लगा हुआ है, ये ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ है, देखो आपको न्यू कंडीशन में दिखाई देता होगा, आपको न्यू कंडीशन में ज़्यादा यूज नहीं किया है। मैं इसलिए बोलता हूँ, आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कभी भी कि 2 नंबर हॉलर को छोड़ के 8 नंबर 6 नंबर यूज कीजिए, बहुत अच्छे से माल भी निकलता है और चावल भी उसमें क्लीन आता है, इसमें चावल भी बहुत ज़्यादा तोड़ता है, ज़्यादा कारण यही होता है इसको सेल करना होता है, तो इसमें चावल ज़्यादा तोड़ता है, बहुत सारा कारण है, और इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप लोग, यहाँ पे चावल निकलते समय कंट्रोल नहीं कर पाता है लोग, इसलिए ज़्यादातर से इसको कोई परचेस नहीं करता है। यहाँ पर परचेस करने के बाद भी ऐसा ही कबाड़ी में बेचना पड़ता है। चलो थोड़ा देर वेट करते हैं, नहीं तो चले जाते हैं यार, क्या करेंगे, बाद में आकर के रेट पूछेंगे, इसको मिलेगा तो मिलेगा।